गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हो गई है बाइक खराब, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। पेट्रोल पंप, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल आर्मी फैमिली लाइफ स्टाइल। तो गाइज अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और मैं जा रही हूँ थोड़ी सा मार्केट, तो मैं सोची क्यों ना आप सभी लोग के साथ शेयर करूँ कि हमारे यहाँ का मार्केट कैसा है और मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ आप सभी लोग को बताऊँगी। फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो, और मेरे साथ कौन जा रहे हैं, कौन हमें मार्केट ले जा रहा है ये भी मैं दिखाऊँगी आप सभी लोग को, तो बने रहिए। चलिए अभी चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने हॉल में जहाँ की ये गैराज है, गाड़ी लगता है, मैं यहाँ आ गई हूँ और अभी गेट भी ओपन हो गया है और मैं गेट को भी क्लोज करूँगी और चलूँगी। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। तो देख सकते हो गाइज ये जा रहे हैं हमको मार्केट में लेके, और देवर बोले तो देवर, ननद बोले तो ननद, यही है सब कुछ। फिलहाल हमें यही मार्केट कराते हैं। और हेलो बोलिए जी। हाँ तो चलिए अब चलते हैं मार्केट में, मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हो गई है बाइक खराब, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। पेट्रोल पंप पे आए थे हम तेल डलाने के लिए, बट यहाँ पे एक तार चूहा काट दिया था जिसकी वजह से तेल बाहर गिर रही थी, तो बहुत परेशान हो गए गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो मैं कहाँ आई हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि ये बोली मार्केट जाने को, लेकिन मार्केट नहीं गई, कहाँ गई। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के घर, क्योंकि देखिए आप सभी लोग बाइक जो है थोड़ा सा चूहे काट दिया था तो उसमें से तेल निकल रहा था, तो अभी बन रहा है, वो अभी बन जाएगा तो मैं चलूंगी। और ये है मेरी मम्मी और पूरा साफ सफाई कर रही है दिवाली का घर, आप सभी लोग देख सकते हैं। टेबल क्लॉथ भी हटा दिए, बहुत थकी हुई है, अभी भी साफ कर रही थी मैं आई तो, लेकिन इसको बैठा ली क्योंकि इसको भी वीडियो में लेना था। हेलो बोलो मम्मी। हेलो। और अभी मेरे पापा अभी नहा रहे हैं क्योंकि लगता है अभी ड्यूटी से आए हुए हैं, ऑफिस से आए हुए हैं, तो इसलिए अभी वो नहा रहे हैं और उनसे भी मिलाएंगे थोड़ी देर में। आप सभी लोग कंटिन्यू रहिए या फिर मैं मार्केट जाऊँगी तो दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू रहिएगा। और देख सकते हैं आप लोग ये है हमारा बालकनी जो कि बाहर से आप लोग देखे होंगे, और ये है मेन रोड, और मेन रोड पे ही है हमारा घर, और ये है कुछ घर का लुक देख सकते हैं आप सभी लोग, और ये मेन रोड ही है। भाई जब आप देख सकते हो मैं अभी आई हूँ अपने मम्मी के छत पे, मतलब मम्मी के जो घर है, मम्मी के छत पे नहीं सॉरी, मम्मी का जो घर है उसके ऊपर मैं छत पे आई हुई हूँ, क्योंकि मैं प्रशांत का अभी भी वेट कर रही हूँ कि मतलब कॉल करे वो, तो मैं चलूँ मार्केट में, क्योंकि उतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं था लेकिन कुछ ज़रूरी भी था। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ वही टावर जो कि मैं पिछले वीडियो में मैं दिखाई थी कि वो टावर के आगे मेरे मम्मी का घर है, तो वो टावर मैं अब इस छत से दिखाऊंगी आप सभी लोगों को। तो चलिए कंटिन्यू रहिए। तो गाइज आप देख सकते हो यही वो टावर है जिसको कि मैं अपने छत के ऊपर से दिखाई थी, और वो वही जो है वो कॉलेज है जो कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और मैं उसी के पीछे से मैं दिखाई थी व्लॉग बनाई थी, क्योंकि उसके पीछे ही हमारा जो है ससुराल का घर है, और उसके आगे ये मेन रोड पे आप सभी लोग देख सकते हो ये जो मेन रोड है यहाँ पे है मेरी मम्मी का घर। और वेट करते करते फाइनली ये प्रशांत आ चुके हैं, हमारी ननद आ चुकी है हमें लेने के लिए, तो अभी हम लोग चलेंगे। तो क्या हुआ था प्रशांत? पाइप फट गया था। अब ठीक हो गया ना? चलते हैं फिर, कंटिन्यू रहिएगा, अभी चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. तो यही आया था हमारा बाइक बनाने के लिए, ये है टीवीएस एजेंसी। Till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. तो गाइज आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की अंधेरा हो गई थी, और जिस काम से आए थे वो काम हुआ नहीं, तो अभी हम लोग चलेंगे। ये है 5-स्टार रेस्टोरेंट जो कि नया खुला हुआ है, तो अभी मैं इसमें जाऊंगी, थोड़ा सा इसका भी माहौल मिलाऊंगी कैसा है, तो चलिए बने रहिए। ये है हमारे यहाँ का देवी मंदिर,
हमारे जो पीछे दिख रहा है ये है देवी मंदिर। तो अभी प्रशांत बाइक लगा लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे उस रेस्टोरेंट में, और बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग खुफिया जगह में आ गए हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ आए हैं, बट देखते हैं, लगता है हम लोग को जगह मिल गया। इसमें गाइस लाइब्रेरी भी है, कभी मैं आप सभी लोगों को मिलाऊंगी दिखाऊंगी। ये क्या है जी, कहाँ आ गए हम लोग? ये पूरा आप सभी लोग देख सकते हैं, भूतों का घर लग रहा है, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। चलिए तो हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और इधर हमारे प्यारी वाली ननद जी है। तो गाइज आप देख सकते हो फाइनली हम लोग उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे यहाँ का अभी नया 5-स्टार रेस्टोरेंट खुला हुआ है। और यहाँ पे मैं मीनू को चेक कर रही हूँ, हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लिए थे क्या खाना है, बट मैं मीनू को चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या है। तो अभी मैं ऑर्डर दूंगी, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगी कि ये 5-स्टार रेस्टोरेंट कैसा है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेस्टोरेंट में सेपरेट रूम भी मिल सकता है, मतलब सेपरेट खाने के लिए, जिसको कि इरिटेट होता है लोगों के साथ खाने के लिए, तो सेपरेट भी मिल सकता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ, पिक क्लिक वगैरह जो भी है, और इसका व्यू भी आप सभी लोग देखिएगा। अभी हम लोग रेस्टोरेंट से आ चुके हैं, जो भी खाना पीना था खा लिया है। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम ही दो लोग थे और हम दोनों लोग खाने में लगे हुए थे, इसलिए तो चलिए अभी चलते हैं। चलिए लाइब्रेरी था, आप सभी लोग को लाइब्रेरी भी दिखाते, बट अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, आप सभी लोग देख सकते हो उधर से अंधेरा हो गया है, तो हम चलते हैं घर। आप सभी लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग जिस काम से आए थे वो काम हुआ नहीं, तो हम लोग सोचे कि ये थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है और थोड़ा घर को डेकोरेट करेंगे। तो इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग कि कौन सा ले, बट ये ब्लैक वाला मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा था प्रशांत को, तो बोले ये ब्लैक ही लेना है। तो मैं बोली ठीक है, फाइनल डिसीजन हो गया था हम लोग को कि ये ब्लैक वाला ही लेना है। 150 का पड़ेगा। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग डेकोरेटिंग जो लाइट था उसको ले चुके हैं, और प्रशांत जो है उधर से बाइक लेके आ रहे हैं, क्योंकि रोड के इस साइड थे हम, तो अभी बाइक लेके आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे घर। तो बने रहेगा हमारे इस ब्लॉग में, तो चलिए। हम लोग अपने घर आ चुके हैं, और आप सभी लोग देख सकते हो ये है हमारा घर, और हम लोग बहुत लेट हो गया, अंधेरे में आए हैं, और ये है इधर प्रशांत जी। हम चलिए गेट खोलिए, ओपन करिए, बेल बजाइए, आप बेल बजाइए, हम नहीं बजाएंगे, हमको थका दिए हैं, बाइक बीच रास्ते में बिगाड़ देते हैं और बोलते हैं बेल बजाइए। तो अभी जा रहे हैं वो बेल बजाने के लिए, तो चलिए बने रहिए। हम लोग आ चुके हैं अभी घर पर, अभी कौन आता है गेट ओपन करने हमें नहीं पता है, और आप सभी लोग को सुनाई भी दे रहा होगा बेल की रिंग।
कैसा रहा आज का ललन टॉप? ललन टॉप रहा कि नहीं? और इधर मेरा शर्ट शर्ट का लड़का आ गया है इधर से, ए बेटू हेलो बोलो। हम लोग आए हैं अभी मार्केट से और मम्मी जो है अपना रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और अभी फटाक से चलेंगे ऊपर किचन में, खाना क्या बनाएंगे सभी लोग को दिखाएंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा। और उधर मेरा लड़का देखने के लिए जा रहा है कि क्या लेके आए, हम कुछ वैसे लेके नहीं आए। और ये है लाइट, इसको ओपन करके दिखाइए, ऑन करके दिखाइए पसंद कैसा लगे। हाँ दिख गया तो दिख गया, कोई बेइज्जती नहीं होगा। लोग को हम चेक करके दिखाएंगे कि कैसा ये जो लाइट है ये मतलब अच्छा है कि नहीं है। दिखाइए प्रशांत, बीएसएस से थोड़ा ना ऊपर था, अच्छा है। और लाइट ऑफ कर दीजिए थोड़ा अच्छा से आएगा। और ये है 70 मीटर, ये जो है ना ये 70 मीटर का है और हम लोग इससे पूरा कवर कर लेंगे अपना एरिया। और पहले से भी और ज्यादा था। ऑन करिए जी अब लाइट को। और इसका जो प्राइस है ये 400 का है ये, और प्रशांत को बहुत ज्यादा पसंद था, बार बार बोल रहे थे कि चाहिए तो ले लिए हम लोग। और मम्मी जी का एक काम था, पेन था लेना था ये, जो कि भूल गए हैं और अभी इनकी पिटाई भी होने वाली है तो आप लोग देखिएगा। इनसे जा रहे हैं फिलहाल मतलब सूट अपना फिटिंग कराने के लिए, टेलर को दिए थे, बहुत खराब कर दिया, बेकार कर दिया, आज भी गए थे। और ये है जो कि मिस्टर जी, ये मेरा मतलब सूट जो था खराब ही करवा दिए, मतलब खराब तो करा दिए लेकिन बनवा नहीं पा रहे। लेकिन अब इनको चैलेंज ये है कि कल मैं बोलूंगी पूरे और घूमने के बाद मेरा सूट जैसे तैसे भी कहीं से भी बनवा के ले आना है। मैं इनको धमकी दे रही हूँ और धमकी ये चैलेंज इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी जाना है। और आप लोग देखते रहिएगा ब्लॉग तो पता चलेगा कि कहाँ जाना है, किस लिए मैं सूट बनवा रही हूँ। और डांसिंग वंसिंग भी चल रहा है इधर हम लोगों का, तो चलिए अभी। तो लड़के हैं जो कि येलो टी शर्ट वाले, इन्हीं के लिए हम लोग जो भी खाए हैं उसको वीडियो में नहीं दिखाएं क्योंकि इनके मुंह से बहुत ज्यादा ही पानी आ जाता है और बाल्टी भी भर जाता है इसलिए हम लोग नहीं दिखाए ना। और आप सभी लोगों को पानी की जरूरत पड़ेगी तो बोलिएगा, ये लड़के से पानी निकलवा के भेज देंगे। तो गाइज यहाँ पे प्रशांत बार बार अपने लाइट को चेक कर रहे थे कि लाइट सही तो है। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ ब्लॉग को। और जो खाना का वीडियो मैं बोल रही थी वो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड प्यारा प्यारा कॉमेंट करिएगा और चैनल पर जो लोग नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।